गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है, आज का अपना पहला पाठ करांगे क्लास सत्तवी का बंजारा। बंजारा गीत है, एक गीतकार सरदार सुरजीत सिंह जी का लिखा हुआ है। इस विच बंजारा अपन गीत गा के सर्व धर्म बारे दस रहा है। वो कहता है कि सारे धर्म एक हैं, सानू किसी भी धर्म नाल भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो गीत विच की कहते हैं, बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाँवता है बंजारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सांझा भाईचारा, किरणा सानू वंड देंदी है, इसनू दूर भजाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक हो जाओ, मंदिर मस्जिद गिरजे उपर लिख दो रब का द्वारा, बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाँवता है बंजारा। कहते भी जोड़ा बंजारा वो बस्ती बस्ती जंगल जंगल जिथे भी रहा है वह गीत गाँव गा, कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक हैं, सांझा भाईचारा है, यानी कि भरावान का संबंध है, किरणा सानू वंड देती है, इसमें दूर भजाओ, किरणा मतलब ईरखा, ईरखा जो साढ़े वंडियां पवा देती है, कदे भी अपने संबंध में ईरखा ना आन दो, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक हो जाना चाहिए है, मंदिर हिंदू मुस्लिम मस्जिद सिख गुरद्वारा ईसाई गिरजाघर सब के उपर परमात्मा का नाम लिख देना चाहिए है, बस्ती बस्ती जंगल जंगल बंजारा यो ही गाँव है, नफरत सानू दुख दिंदी है, रज के सौन ना दिंदी, खुल के सानू हसन ना दिंदी, जी पर रोन ना दिंदी, नगर नगर विच गली गली विच गूंज रहा एक तारा, बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाँव है बंजारा। की कहते हैं गीतकार सुरजीत सिंह जी, कह रहे हैं कि नफरत सानू बहुत सारे दुख दिंदी है, ना ही तो असी नफरत पाल के रज के सौ सकते हाँ, ना ही असी हस सकते हाँ, तो ना ही नफरत सानू रोन दिंदी है, नगर नगर विच गली गली विच एक साज वाला जिहड़ा तुंबा वो गूंज रहा है, सारे विच एको ही साज एको ही आवाज़ होनी चाहिए है, बस्ती बस्ती जंगल जंगल विच बंजारा गा के सानू एहो ही दसदा है, ना कोई ऊंच ना नीच पछाने, सबनों अपना जाने, आपस विच ने मूर्ख लड़दे लड़दे नहीं सियाने, एक विच है शक्ति हुंदी एका सानू प्यार। कहते ना तो सानू ऊंच देखनी चाहिए है, ना ही सानू नीच देखनी चाहिए है, सानू सबनों अपना समझना चाहिए है, आपस विच सिर्फ मूर्ख लड़ते ने, जिहड़े सियाना व्यक्ति हुंदा है वह कदे भी नहीं लड़ता, एक विच ही एकता विच बहुत शक्ति हुंदी है, एकता विच ही प्यार हुंदा है, बस्ती बस्ती जंगल जंगल विच बंजारा सानू इहो ही गा के दसदा है, सज्जे खब्बे की गल छड्डो सीधे रस्ते चलो, सांझा रस्ता सांझी मंजिल उसनू जाके मुल्लो, भारत की जय सारे बोलो, भारत सानू प्यारा, बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाँवता है बंजारा। कहते भी ना तो असं सज्जे देखना है, ना ही खब्बे, ना असं सज्जे की गल सू जाननी है, ना ही असी खब्बे की, सानू सीधे रस्ते ही चलना चाहिए है, जोड़ा सांझा रास्ता सांझी मंजिल, यानी कि सब का सांझा रास्ता है, सब की एक ही मंजिल होनी चाहिए है, उसमें जाके मिलो, उससे अपना हक जमा सकते हैं, असं भारत की सारे जय बोलो, कहते असं भी जेडे देश में भारत में रहने असं उसकी जय बोलनी चाहिए, सानू होर किसी नहीं, भारत सानू प्यारा होना चाहिए, क्योंकि जिस भी देश में रहने वो साडा अपना है, बस्ती बस्ती जंगल जंगल गाँवता है बंजारा। बंजारा बस्ती बस्ती जंगल जंगल यो ही गाँव है कि सानू सारे रल मिल के रहना चाहिए है, सानू किसी भी एक दूसरे नाल नफरत या भेदभाव नहीं करना चाहिए है। इस विच क्वेश्चन है भी सत्रह का भाव की है, ना कोई ऊंच ना नीच पछाने, सबनों अपना जाने, आपस विच ने मूर्ख लड़ते लड़ते नहीं सियाने, एक विच है शक्ति होंगी एका सानू प्यार। कहते कि कहते हैं सुरजीत सिंह जी भी सानू ऊंच या नीच नहीं देखनी चाहिए, सानू सबनों अपना समझना चाहिए है, आपस में हमेशा मूर्ख लड़ते हैं, सियाने व्यक्ति कदे नहीं लड़ते, एकता में भरपूर शक्ति होंगी है, तो एकता में ही प्यार होता है। इस क्वेश्चन आंसर ने वक्त धर्म वाली बंजारा सानू की संदेश दिता है, असं पढ़िया गीत में पढ़िया है कि बंजारा जो सानू वक्त धर्म वाली की संदेश दिता है, वो की संदेश दिता, वो कहते भी जो सारे धर्म आ सानू एक समझना चाहिए, यानी कि सांझा भाईचारा बना के रखना चाहिए है। गीत अनुसार नफरत मनुख लिए किमें नुकसानदायक है, आप गीत में पढ़िया सी कि जो नफरत है सानू कि नुकसान करती है, आप पढ़िया सी ना जो गीत नफरत है ना तो सानू रज के सौन दिंदी है, नफरत पाल के असं ना हस सकते हैं अते ना ही खुल के रो सकते हाँ। एक बारे कवि की कहता है, एक बारे कवि दसदा गा, एक बारे कवि कहते हैं कि एकता है जो एक प्यार होंगे, एक बहुत ज़्यादा शक्ति होंगी है, जेकर साढ़े एकता होगी तो असं कदे भी किसी दुख या तकलीफ नहीं दे सकते। इस गीत को पढ़ के थोड़ा की महसूस होता है?
ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ